डी इंटरसेक्शन सी, डी इंटरसेक्शन सी कौन सा पोर्शन होगा, ये ए बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला, ये बी इंटरसेक्शन सी है और ए ये पूरा का पूरा ए, समझ में आया आपको, ए है ये बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, बी यूनियन ए बी सी, तो बी यूनियन सी ये वाला पोर्शन है आपका बी यूनियन सी, और ए के साथ ही इंटरसेक्शन है ए बी सी, ये ए, अब इन दोनों का कॉमन पार्ट बताओ क्या, इन दोनों इसका और इसका तो कॉमन पोर्शन कितना है, बीच का क्या ये है, यस और क्या ये भी है, यस और है, ठीक है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, क्लियर, यस, और सुनिए इसका क्या मीनिंग होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मींस व्हाट, x belongs to a union b, x a may be or b may be, right, a may be or b may be, a or b must be, x in a or in b, या तो b में हो सकता है या फिर b में हो सकता है या फिर दोनों में हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे, x belongs to a or b, x belongs to b, क्या ये बात समझ आ रही है, yes, ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि x belongs to a intersection b, x belongs to A and x belongs to C. Clear है? Yes. इनके साथ से ये पूछता हूँ x belongs to A minus B means what? A belongs to A. X belongs to A. Very good. X belongs to A and x does not belong to B. समझ में आ रहा है आपको, yes, yes. अब मैं पूछता हूँ x belongs to a dash, कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब x does not belongs to a, does not belongs to b, ठीक है, yes. अब अगर आपसे पूछता हूँ x belongs to a union b intersection c, इसका मतलब x belongs to a, belongs to a और x belongs to b and x belongs to c, c belongs to b and c, x belongs to c, या फिर आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, x belongs to a और x belongs to b and x belongs to a और x belongs to c, ये बात समझ में आई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ, ए यूनियन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा, इसका मतलब यही होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्या ये बात समझ में आई, यस सर, तो एक्स इसका भी होगा और इसका भी होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, A union B, it means what? X belongs to A or B. And A union C, it means X belongs to A or X belongs to C. Clear? अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि X belongs to A intersection B union C, इसका मतलब क्या? X belongs to A and x belongs to b or x belongs to a and x belongs to b, क्या ये सब कुछ आपको समझ आ रहा है, यस, और मुझे बता दो मेरे पास एक सेट है a
इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। एक सेट है बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए सबसेट ऑफ बी? बट क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि बी सबसेट ऑफ ए? नो। ठीक है, अब एक और एक्स क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ B subset of A? Yes. But A subset of B लिख सकता हूँ? No. नहीं लिख सकता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों एलिमेंट्स नहीं, कितने एलिमेंट्स, तो आप क्या बोल सकते हो? A subset of B and B subset of A, ऐसा बोल सकते हो? Yes. समझ आ रहा है? Yes. तो ध्यान दो, जब भी आपको A equal to B true करना है, have to be prove a equal to b, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये प्रूव करना है कि a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, ये दोनों ही प्रूव करना है। a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a दोनों ही होने चाहिए, तभी पॉसिबल है कि a और b दोनों इक्वल्स है। इफ a सबसेट ऑफ b एंड b नॉट सबसेट ऑफ a, तो कभी इक्वल नहीं होगा। ये केस है A subset of B and B not subset of A, ये दोनों equal set नहीं। इस केस में देखो B subset of A but A not subset of B, तो ये कभी भी equal नहीं होंगे। एक ही केस में equal हो सकते हैं जब A subset of B and B subset of A। अब ये हम कैसे prove करते हैं? That X belongs to A, X belongs to A है, and of X also belongs to B। आप ये प्रूव कर लेते हो कि x है वो b का भी एलिमेंट, ठीक है, a सबसेट ऑफ b, तो आपने ये प्रूव कर लिया a सबसेट ऑफ b। फिर से बताओ, आपने ये बताया कोई एलिमेंट है वो a सेट का एलिमेंट, फिर आप बता रहे हो कि ये एलिमेंट तो b सेट का भी है, इसका मतलब ये a क्या है? सबसेट ऑफ b, समझ रहे हो? फिर से बताओ, आपके पास एक एलिमेंट है x, वो सबसेट है a का, आपके पास तो ए ही था, अब ए कहां से आया? बी से आया, तभी तो वो उसका एलिमेंट हुआ। क्लियर है? अब ये सारी चीजें हम प्रूव करने वाले, आप जल्दी से लिखे
फर्स्ट है। a माइनस b इक्वल टू a, इसका मतलब तो क्या मीनिंग होगा? a माइनस b इक्वल टू a, क्या होगा? Can compute that the it only the all draw the elements only are in A and B minus A is equal to B. That means that the elements are only in B. No common element for A and B is included. Right. Yes, the same bataya. Same bataya na? Yes. A minus B equal to A. Iska matlab इसमें से कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तभी तो कुछ माइनस नहीं हो। ए माइनस बी मींस व्हाट? क्या करते हैं हम ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, फिर बचे हुए ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। उन्होंने पूरे ए के एलिमेंट लिख दिए सारे के सारे, पूरा सेट, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। यहाँ भी ऐसे ही है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए एंड बी आर इक्वल्स। क्या ये बात समझ आई? यस। हाँ बोलो। फिर बोथ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स। चलो हम लोग क्या करते हैं, इस ए एंड बी आर इक्वल दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू। अगर हम ऐसा सोचे कि फर्स्ट केस इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, हमें नहीं पता क्या केस है, हम लोग सारे केस डिस्कस करते हैं। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? ए एंड ए यूनियन बी इज व्हाट? बी। समझ गए? Yes, and A is subset of B, it means what? A is not equal to B. A is subset of B, so A and B equal nahi honge. Yes. So A intersection B is not equal to A union B. Is case. इसका मतलब हमारे पास एक केस बन गया कि A B का सबसेट नहीं। Clear? क्योंकि हमको क्या given है? ये दोनों equal. Second case. If A B subset of B and A intersection B, B and A union B, A. समझ रहे हो आप लोग? Yes. हाँ। और B subset of A है, तो B और B और A equal नहीं होंगे, equal नहीं होंगे, तो A intersection B not equal to A union B. मतलब ये केस भी नहीं हो सकता। नंबर A and B are differences. Differences. तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और A union B phi आएगा क्या? दो सेट डिसजॉइंट सेट है तो कॉमन है, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यूनियन करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो A और B में, सिंस ये not equal to phi. तो क्या हुआ? A intersection B is not equal to A union B. थर्ड केस में भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब सुनिए, आपके पास दो सेट हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? आपके पास दो सेट तो क्या हो सकता है? दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट हो सकता है, या फिर दोनों डिजॉइंट हो सकते हैं, या दोनों इक्वल हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। हो सकता है? कोई केस नहीं हो सकता। बोलो क्या? हाँ, या तो दोनों इक्वल होंगे और दोनों डिसजॉइंट हो सकते हैं और सबसेट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। हमने तीन केस डिस्कस कर लिए जिसमें हमें जो चाहिए वो नहीं मिला, ये इक्वल है वो हमें नहीं मिलता, नॉट इक्वल मिलता। इट मींस फोर्थ केस क्या होगा? इफ ए इक्वल टू बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? ए या बी, कुछ भी लिख सकता हूँ। एंड ए यूनियन बी इज व्हाट? A
इस केस में आपको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी मिलता है। फोर केस में ओनली वन केस में आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी कैसे होंगे इक्वल इक्वल set of all rectangles means set input yes
Yes. 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 B intersection C. B. B. Very good. And B union C. Sir. C. B union C. C. A intersection B intersection C. B. 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 आप में से किन किन लोगों को ये समझ नहीं आया? Which one? ये समझ गए? Yes. ये समझ गए? Yes. इसमें डाउट है आपको? Yes. A intersection C, देखो बेटा, A क्या है? Set of all vectors. And C क्या है? Set of all parallelograms. आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि A subset of C. जितने भी rectangles होते हैं वो parallelograms से निकले हैं, देखो. ये जो parallelogram होते हैं, यही से आपको क्या मिलता है? Rhombus मिलता है. यही से आपको क्या मिलता है रेक्टेंगल और यही से आपको क्या मिलता है रेक्टेंगल से आपको स्क्वायर मिलता है और क्या क्या होता है राइट राइट इसी से मिलता है ना इक्वल रेक्टेंगल और स्क्वायर ये आपको ध्यान है पैरेललोग्राम के पार्ट होते हैं रोम्बस और रेक्टेंगल रेक्टेंगल का पार्ट होता है स्क्वायर आप ऐसा बोल सकते हो कि रेक्टेंगल सेट ऑफ रेक्टेंगल इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ पैरेललोग्राम अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा ए होगा ए इज सबसेट ऑफ सी देन ए इंटरसेक्शन सी इज ए पक्का समझ आ रहा है आपको बी इंटरसेक्शन सी बी क्या है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर और सी क्या पैरेललोग्राम मैं ऐसा कह सकता हूँ ये इसका सबसेट है तो इंटरसेक्शन ये सारे के सारे आ और लास्ट है ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इन तीनों का इंटरसेक्शन क्योंकि जो स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगल होगा जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम तो सारे के सारे स्क्वायर आ जाएंगे है ना स्क्वायर इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा तो भी इसको भी Practical problems for union and intersection. ये सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पर इस केस में हुआ क्या ये वाले एलिमेंट जो थे वो दो बार काउंट किया ए में भी काउंट किया और ठीक है तो नंबर ऑफ ये एलिमेंट जो हमने दो बार काउंट किए टू टाइम तो वन टाइम माइनस करेंगे माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन क्या ये बात समझ में आई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको किस तरह से ये पढ़ाया गया ए और बी अब इसका ये जो पोर्शन है ये सिर्फ इतना हो ये है ए माइनस ठीक है और ये जो पोर्शन ये है a माइनस और ये जो पोर्शन है ये वाला a इंटरसेक्शन ये है a इंटरसेक्शन ठीक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b
आपको हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस, ठीक है, थ्री पार्ट कर दिए इसके, ठीक है, ये जो ए इंटर बी था इसके थ्री पार्ट कर दिए, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और एक बी माइनस। जब इन सभी के एलिमेंट्स को आपको काउंट करने को बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, इन तीनों पार्ट के एलिमेंट को काउंट करो फिर उनको प्लस करो, समझ गए? Yes. अब a माइनस बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन। a माइनस बी का मतलब होता है a में से a इंटरसेक्शन b दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करो, ये मतलब होता है। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। ए माइनस बी में हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी में ये ए है 1 2 3 4, ये बी है 3 5 6, तो आपसे ए माइनस बी पूछता हूँ तो आप क्या करते हो, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको रिमूव करते हो, है ना, ऐसा ही कुछ करते हो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा ही क्यों करते हो? Yes. तो बाकी बच्चों के एलिमेंट्स आप लिख देते हो, ने यही किया, n of a minus b, n of a minus n of a intersection plus n of a intersection b plus इसका क्या होगा, n of b minus n of a intersection, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब क्या मिला आपको, number of elements in a plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. अब दोनों में किसी भी वेरिएंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अब देखो थ्री सेट है, वेन डायग्राम से भी हो सकता है, ये आपको समझ आया? Yes, sir. ये सेट है ए, ये दूसरा सेट बी और ये थर्ड सेट सी, ठीक है, ये मुझे बताना आपको कि ये है ए, ये बी और ये सी, ये सेट क्या होगा, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी और ये वाला पोर्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, पहले इन सभी के एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे, अब देखो ऐसा करने से हुआ ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ये दो बार काउंट इसमें एक बार ए में और एक बार बी में, समझ गए? Yes. और हमें तो सिर्फ वन टाइम ही चाहिए, तो एक बार माइनस करेंगे, अब ये वाला पोर्शन है ये ए में भी काउंट हुआ और सी में, एक बार माइनस करेंगे और ये वाला पोर्शन माइनस, क्या ये बात समझ में आई? अब इस पोर्शन को ध्यान से देखो हुआ क्या, कि मैंने जब ए बी और सी तीनों को प्लस किया तो थ्री टाइम ऐड हुआ, थ्री टाइम ऐड हुआ ना, और जब मैं इसको माइनस करने गया तो ये माइनस हो गया वन टाइम, इसको माइनस किया तो टू टाइम माइनस हो गया, इसको माइनस किया तो थ्री टाइम माइनस, मतलब ये वाला पोर्शन तो अभी हमने इसमें इंक्लूड किया ही नहीं, थ्री बार प्लस किया और थ्री बार माइनस, इस वाले पोर्शन को भी प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, अब इसको हम लोग आपके एनसीईआरटी वाले मेथड से भी करते हैं,
इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं। कैसे डिराइव करेंगे ये वाला फॉर्मूला आपको ये तो ध्यान है, एन ऑफ ए इवन बी क्या होता है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब मैं इस बी की जगह क्या लिखता हूँ, बी यूनियन सी लिख देता हूँ बी की जगह, तो ये कैसा बनेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मैंने बी की जगह बी यूनियन सी लिखा, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये बात समझ गए आप लोग, यस यस सर। बी की जगह बी यूनियन सी, अब ये तो पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाए इधर एन ऑफ ए, अब इसमें फिर से ये लगा तो ये बनेगा एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन बन जाएगा। ये लगा है a यूनियन b क्या होता है, a b माइनस a एन बी, तो b यूनियन c क्या होगा, b c माइनस b एन सी, क्लियर है। yes, sir. अब इसको देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको कैसे लिखते हैं, माइनस एन ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ऐसे लिखेंगे ना। yes. अब इसको इसमें एक बार फिर से ये लगा, ये पूरा का पूरा एक ही सेट है ये दूसरा, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, एन ऑफ ए है प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन, इसका बदल इस वे में बदल, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी बी इंटरसेक्शन सी वे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कौन सा, ये वाला माइनस, नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से बताओ। आप इसको थोड़ी देर के लिए इसको ए बोलो, ये पूरा का पूरा ये ए और ये पूरा का पूरा बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कुछ होगा। yes. अब आगे माइनस लगा हुआ तो प्लस वाले सारे माइनस और माइनस वाले प्लस का, अब इधर क्या आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको आपके काम की चीज ये दो। अब इसमें से हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करते हैं,
देखिए नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में होंगे बट बी में ए इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ए में है बी में नहीं, ए एंड नॉट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए माइनस बी का मतलब ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स ए में होंगे बी में नहीं, ठीक है, क्योंकि ए और बी तो क्या हो जाएंगे कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएंगे, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो इसका मतलब ये है वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है और सी में, समझ रहे हो। अब आपके सामने अगर ये लिखा होगा एक सेट बना दिया ए एंड बी, ए है, अब आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विच आर इन एटलीस्ट वन सेट, वन सेट क्या होंगे कोई बता सकता है, एटलीस्ट वन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन एटलीस्ट वन सेट क्या होंगे बताओ, ओनली ए, ओनली ए मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, वेरी गुड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्या इसका मीनिंग आपको समझ में आया, नहीं समझे, वो एलिमेंट्स जो एटलीस्ट वन सेट में हो, मतलब या तो एक सेट में हो या फिर दोनों सेट, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो ए में होते हैं, जो बी में होते हैं और दोनों में होते हैं, समझ आया। मैंने कल आपको जब यूनियन बताया तो बताया था एटलीस्ट वर्ड बताया था, एक और वर्ड बताया था और, याद है, अब बताना नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्जेक्टली वन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर एक्जेक्टली वन सेट एक ही सेट में क्या होंगे, बी माइनस ए, बी माइनस ए बस इतना ही और कुछ, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस, वेरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस, क्या ये बात आपको समझ में आई, एग्जैक्टली वन का मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जो दोनों में नहीं एक में ही है, क्लियर है, तो ए एलिमेंट ए जो सेट है उसमें से वो एलिमेंट्स आप हटा दो जो दोनों में कॉमन है, आपको सिर्फ वही एलिमेंट मिलेंगे जो ए में एक ही सेट, और बी माइनस ए का मतलब क्या, आपको सिर्फ वही एलिमेंट मिलेंगे जो बी में कॉमन वाले नहीं मिलेंगे, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और इसको क्या लिख सकते हो n of a minus n of a intersection b, यही बात समझ आई, अब ये क्या हो जाएगा n of a plus n of b minus 2 times n of a intersection b, क्योंकि n of a union b, n of a और n of b इन दोनों के अंदर आपने ये जो कॉमन एलिमेंट वो 2 टाइम ऐड किए थे और आपने 2 टाइम माइनस कर, अब कॉमन एलिमेंट बचे ही, समझ रहे हो, यस ये मुझे कौन बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटमोस्ट वन सेट विच आर इन एटमोस्ट वन सेट, इसका मतलब क्या, वन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो दोनों में एटमोस्ट, अच्छा आपको ऐसा पूछ लूं एटमोस्ट टू सेट इसका क्या मतलब, एटमोस्ट टू सेट या एटमोस्ट थ्री सेट, एटमोस्ट थ्री का मतलब 1, 2 and 3 है ना, एटमोस्ट टू का मतलब, एटमोस्ट वन का मतलब ओनली वन, वो तो आप बता चुके हो, बता चुके हो,
क्या ये दोनों एक ही बात? Yes. अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो, किसी क्वेश्चन में ये, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। Yes. और इसके बाद इसका आप ये लिख देना जो भी है। एटमोस्ट टू बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन एटमोस्ट टू है। कौन से होंगे एटमोस्ट टू सेट्स? आप बता रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। और इसके अलावा किसी का आंसर है? सबका ये आंसर है। ये यूनियन बी नहीं होगा। अभी इसमें बताया था कि एटमोस्ट टू का मतलब वन और टू, एटमोस्ट थ्री का मतलब वन टू एंड थ्री, एटमोस्ट वन का मतलब वन, एटमोस्ट टू का मतलब वो एलिमेंट्स जो मैक्सिमम टू सेट में होंगे। मैक्सिमम टू सेट का मतलब वो वन सेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास जैसे वो एटमोस्ट टेन थाउजेंड का मतलब क्या, उससे कम कितने भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम उतने। तो एटमोस्ट टू सेट्स का मतलब है वो एलिमेंट्स जो ज्यादा से ज्यादा दो सेट में हो, उससे ज्यादा सेट में नहीं हो। समझ पा रहे हो? Yes. ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, उसका मतलब कम तो कितने ही हो सकते हैं, ओनली वन सेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, जिसमें सारे आ गए। ए यूनियन बी में कॉमन वाले भी आ गए और सेपरेट वाले। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? अगर ये बातें समझ में आई है तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहे इसका मतलब है सिर्फ ए में हो, सिर्फ बी में हो, सिर्फ सी में हो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस क्या करो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। सही बता रहे हैं ये? सही बता रहे हैं? हां, आप बोलो। ये तो ऊपर वाला है जो एन ऑफ ए। हां नहीं, मैं पूछ रहा हूं उन्होंने सही बोला है क्या? सही बोला होगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये ऐसा आएगा, टू टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। ये मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिए। जब मैंने ए सेट के सारे एलिमेंट काउंट किए तो ये ए और बी का कॉमन पार्ट कितने टाइम्स एड हुआ? जब मैंने बी को काउंट किया तो ये कितने टाइम्स एड हुआ? टू टाइम्स माइनस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? जब आपने ए प्लस किया बी प्लस किया सी प्लस किया तो ये वाला क्वेश्चन थ्री टाइम एड हुआ, एड हुआ जैसे आपने टू टाइम्स एड किया तो ये टू टाइम माइनस हो गया। तो बैलेंस करने के लिए आपको थ्री टाइम प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है ही नहीं, सिर्फ वही एलिमेंट है जो इधर है, इधर है और इधर। क्या ये बात समझ में आई?
अब मुझे बता रिजेक्टेड टू कौन बताएगा और बंधन बता दो tan of a plus tan of b और कोई बंधन के अलावा और कोई है सेक्टिविटी का मतलब tan of a intersection b plus tan of a b intersection c plus tan of a intersection c नहीं माइनस tan of a intersection b intersection c नहीं ये सही बोल रहा है तो छोटो सही क्या है माइनस थ्री टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या ये बात आपको समझ में आई देखिए ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी अब इसमें होगा क्या आपने ये वाला पोर्शन काउंट किया ये वाला और ये थ्री टाइम एड आपको तो ये चाहिए नहीं इसको मैं थ्री टाइम माइनस कर दूँ क्या ये बात समझ में आई yes, और मैं आपसे प्रपोज टू पूछता हूँ तो क्या बताओगे सही है आपने नोट किया है अच्छा ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ एग्जैक्टली टू मैंने बताया आपको क्या बताना है एटमोस्ट टू ठीक है फिर आपको बताना है एटलीस्ट टू फिर एटमोस्ट थ्री और एग्जैक्टली थ्री क्लियर है थ्री yes, आपके लिए छोड़ दो वन वन से एटमोस्ट टू और एटलीस्ट टू और एटमोस्ट थ्री एग्जैक्टली थ्री एग्जैक्टली थ्री तो वैसे ही पता है ये सारी चीजें मुझे कल लेके आप बताओगे आपका ये चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं कवर हो गए आपकी थियरी कंप्लीट हुई सेट से लेकर प्रैक्टिस है जो हम लोग